छत्तीसगढ़ी फिल्म वैदेही महिलाओं के त्याग और बलिदान की कहानी पर आधारित फिल्म 9 जून शुक्रवार को प्रदेश के नजदीकी सिनेमाघरों में प्रदर्शित होगी। ज्ञात रहे विगत दिनों फिल्म के सभी गाने दर्शकों के दिलो जुबान पर छाए हुए हैं। जय जय श्री राम, जिया लागे रे, मन पंचनी गानों में खासकर लड़कियां महिलाएं अलग अलग तरीके से रील्स बनाती हुई दिख रही हैं। फिल्म का ट्रेलर भी दर्शकों द्वारा बेहद पसंद किया जा रहा है एवं फिल्म को बेहतर रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म लेखक निर्देशक गंगा सागर पंडा ने आगे बताया कि हमारी फिल्म वैदेही में पहली बार महिलाओं को अपनी बात रखने के लिए इस फिल्म का निर्माण किया गया है। फिल्म निर्माण में एक और खासियत यह है कि शूटिंग से पहले अभिनेता पूरन किरी द्वारा सारे कलाकारों का 14 दिनों का वर्कशॉप भी लिया गया था। फिल्म में मुख्य किरदार नायक के रूप में एवरग्रीन विशाल, नायिका श्रद्धा एवं काजल सोनबेर, बेहतरीन किरदारों में रवि साहू, विक्रम राज फिल्म में अपना जलवा दिखाएंगे। सारे छत्तीसगढ़ के सभी सिनेमाघरों में, और इसमें खास बात यह है कि पहली मूवी आपको टेक्निकली बहुत ही स्ट्रांग लगेगी, बहुत ही स्ट्रांग आपको लगेगा कि बॉलीवुड देख के निकल रहे हैं। दूसरी खास बात यह है कि महिलाओं के प्रॉब्लम से लेकर उसके सोल्यूशन तक की हम बात कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि अगर आदमी सुधरना चाहे तो सब कुछ पॉसिबिलिटी है, ये बात हम साबित कर रहे हैं। पांचवी बात ये कि जो वर्कशॉप के बाद सारे कलाकार शूट पे आए ना, तो दूसरे फिल्म में डायरेक्ट शूट पे आ जाते हैं। हमारे में 21 दिन का वर्कशॉप पूरन किरी द्वारा किया गया, उसके बाद आए हैं, तो जो एक्टिंग का जो लेयर है आपको बहुत अच्छा फ्लेवर दिखेगा। और सातवीं बात ये कि म्यूज़िक आपका बहुत अच्छे से पोएट्री हुआ है, वो आपको बहुत पसंद आएगा। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो आपको फिल्म देखने के बाद बहुत पसंद आएगा और आप अच्छे मन से निकलेंगे फिल्म देखने के बाद। जैसे कि आपने पीछे पोस्टर में देखा था, दू झन हीरोइन और एक झन हीरो हब है, ते में जानकी के कैरेक्टर मैं करे हूँ, राम के प्ले ये करे है और वैदेही जे श्रद्धा पानीग्रही जी करे है। तो सीता माता के जो दो रूप होते वैदेही और जानकी ओला, ये फिल्म में प्रेजेंट करे गए हैं। काबर की सीता माता ला दो नाम से जानते, वैदेही और जानकी, तो बहुत ही बेहतरीन फिल्म है और नारी के त्याग सम्मान तपस्या ला लेके फिल्म ला बनाए गए हैं। जहाँ एक बेटी के ऊपर बाप की छाया नहीं रहा है, वहाँ बेटी कैसे अपन घर ला चलाते, कैसे दुनिया से जूझते और दुनिया का बोलते का नहीं बोले, वो सब परेशानी ला समझ के वो आगे बढ़ते, वो चीज़ ला फिल्म में प्रेजेंट करे गए हैं। और लड़का के बात करें तो राम कहीं ना कहीं अपन जीवन से गलत रास्ता में जाते, ओला सही रास्ता में ले जाए के प्रयास करे है। जानकी जो मोर कैरेक्टर है जे बहुत ज़्यादा जीतती रही थे प्यार ला ले के, मोला चाहिए मतलब चाहिए वैसे वाला कैरेक्टर है जैसे कि अपन ट्रेलर में देखे हुए हमारे फिल्म वैदेही के। तो ऑल ओवर फिल्म पूरा जैसे गढ़ कलेवा में दाल भात मिलते, सब्जी पापड़ मिलते, बड़ा मिलते, वैसे ये फिल्म में मिली सारा मसाला। तो आप मन से निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, विनती है, अनुरोध है कि आप मन आओ हमर मन के फिल्म वैदेही ला देखो। कल से आप सबके नज़दीकी सिनेमा घर में आवत है, तो आप सब ला जय जोहार। एंटरटेनमेंट पर लोग मन पर सब चीजें, जैसे भैया बताई से कॉमेडी भी है, एक्शन भी है, बहुत अच्छा रोमांस भी देखे मिली। एक साथ साथ हम फिल्म में मनोरंजन तो देता, एक साथ साथ एक बहुत अच्छा मैसेज भी देता। अगर ये मैसेज से हमारे इंडस्ट्री हो या हमारे परिवार हो या हमारे छत्तीसगढ़ के एक आदमी भी हो मैसेज से प्रेरित होते तो हमारे मन की फिल्म बनाना सार्थक हो जाए। अरे मेहनत हमेशा रंग लाती, मैं थोड़ा लड़ जाता रहूँ बात पर समय बीतत बीतत मुझे पता चली इसके सच में आप कौनों भी फील्ड हो, एक थन फील्ड में बहुत दिल लगा के मेहनत करता था, कुछ ना कुछ तो बनता है। मुझे बहुत सारे ऑप्शन मिली, मोर एकेडमिक करियर बहुत स्ट्रांग रही से, मुझे सी जी पी एस सी पढ़े पर कहीं आई पी एस ऑफिसर करे पर कहीं, और परिवार बहुत फोकस करी कि पढ़ ले तो मैं इंजीनियरिंग फर्स्ट क्लास पास आउट करें, और पढ़ाई मोर हर जगह काम आती है। इंजीनियरिंग में मैं ई डी इंजीनियरिंग ड्राॅइंग पढ़े रहें तो मोला कलाकृति ये सब बनाना बहुत अच्छे से आई। जब मैं पूरा होल सोल अपन अपन प्राण ला, अपन शरीर ला, अपन आत्मा ला कैरेक्टर ले जोड़े और कलाकार बने के सपना देखे हो तो मेहनत बहुत ज़्यादा लगी। काबर के मोला सेंटर कैरेक्टर करना रही से, मोला आजू बाजू के कैरेक्टर नहीं करना रही से, तो मोला पता रही से जद का बड़े कैरेक्टर जद का बड़े उतना बड़े उतना चैलेंज हुई। बम्बई में हल्का मचाए के बाद लॉकडाउन लगी और सब जब का मैं एपिसोडिक नेटफ्लिक्स वेटफ्लिक्स सब के काम कर रहे हो, सब चार चार एपिसोड के बाद रुक गई, मुझे लगी इसमें सपना टूट गया। तब मैं यहाँ आके बेटी के थ्रू एक कंपनी है और एक तनिष्क करके कंपनी है, वहाँ जनरल मैनेजर के ऑप्शन डाले। काबर के मैं इंजीनियरिंग पढ़ के इंजीनियरिंग में काम नहीं कर रहे हो तो एक्सपीरियंस मांगत रही है, और बोलते ना कि हर हर महादेव और माँ के आशीर्वाद,
देखा कहना अलग बात है, बिलीव करना अलग बात है। अगर आप सिर्फ बोला था तो काम नहीं बना, इन्हें सोचा था तो काम बन जाए। ओखले अगरबत्ती जलाए की जरूरत नहीं पड़े, इंसान के वैल्यू करे की जरूरत पड़ते। मैं हर हर महादेव कहा था, मैं दिल न तोड़ा था ना तो कोई फायदा नहीं है। मैं सिर्फ हर हर महादेव कहता हूँ, पर मैं दोनों के दिल न दिखा रहा हूँ, वो ज़्यादा बड़े बात है। वो चीज़ काम करते, बोला तरिश्मा मैनेजर के जॉब मिली, बोला लगी सो गया आप कहानी है हफ्ते खबर 25,000 रुपये महीना में जिंदगी खत्म होने वाला। मैं आसमान की तरफ 3:45 AM सुबह ब्रह्म मुहूर्त में देख के बहुत रोए। मैं बोले मोला अतका 8 साल गलाए के बाद, जलाए के बाद, धुनाए के बाद मोर काम कहाँ रही महादेव, मोला काबर नहीं मौका मिला। एक टन फोन आई, 1.5 साल मोर ट्रेनिंग चलीस गंगा सागर पंडा, तय दोस्त रही भाई पर पिक्चर बनी रही अगर तय घर के काम नहीं करें। मैं हर तरीके के चैलेंज पर तैयार रहे हूँ, काबर के ना मैं सूटी पहन के निकल रहे हूँ गर्दन में कि नहीं तो आठ और पार। पता नहीं कहा वही बोले महादेव के आशीर्वाद और माँ के आशीर्वाद ले बोला भाई यही पिक्चर मिली। और बहुत सारे पिक्चर मोला ऑफर हुए रही, पिक्चर के नाम भी आए भाई रही, बता नहीं सर, छोलादी छत्तीसगढ़िया काली ये वो पुनर्जन्म मोला से मोला पता रही से। मैं जिन कैलिबर के आदमी हो जब का मैं ट्रेनिंग ले हीरो बने बोला दिखाए के कोई पिक्चर आ ही था हूँ नहीं तो नहीं आऊँ। तो मिल गए तनिष के जिन फ्लोर मैनेजर के जॉब रही से बोला मैं हटा दे रहे और मोर माँ हाँ बोला गुस्सा भी इसके अब तक बढ़िया जॉब मिला रही सकता बोला छोड़ दे रहे बोला मैं इतिहास लिखे वाले काम करे पर मोर जन्म हुए हैं, इक्का दुक्का काम करे पर मोर जन्म नहीं हुए हैं। एनर्जी जरूरत से ज़्यादा है, इंसानियत मोरा भर के हमें और पब्लिक ला जिन सिनेमा देखना चाहिए हीरो कैसे होना चाहिए वो चीज़ के मोला ट्रेनिंग मिले हैं। और मैं बहुत प्रणाम करता हूँ छत्तीसगढ़ी पब्लिक के जन बॉम्बई में मोला प्यार बनी मिली, यहाँ मोला हीरो बनाए वाले प्यार मिली। तो जय जोहर जय छत्तीसगढ़। और मैं जान झोंक दूँ अपन थिएटर ला देखा ना, पिक्चर ना देखे के बाद अगर दिल से कमेंट आगे कि भाई अपन हीरो बने लायक नहीं हो, ये मोर आखिरी पिक्चर है, मोर वादा है अपन छत्तीसगढ़ी अगर सुपर डुपर हिट नहीं हो इसमें एक दोनों जन बैठ के समझाई से बोला थोड़े से लगी से कि ये मोर बाप के कैरेक्टर मतलब जिंदगी में पहली बार जेकर साथ में अपन जीवन जिए रहे मोर पिताजी गणेश सिंह जी ओकर संग में जीवन जिए के बाद ये कैरेक्टर करें में मोला बहुत ज़्यादा खुशी भी होत रही से और सबसे बड़े प्रॉब्लम ये भी से कि मैं ओकर कैरिकेचर कैसे करूँ, ओकर प्रतिलिपि कैसे बनूँ। बेटा होए के नाते मोर में कुछ गुण तो हो ही, लेकिन ओकर संगे संगे एक चीज़ जरूर रही से कि ओकर बहुत सारे भाव भंगिमा मोर दिमाग में रही से लेकिन प्ले करे में वो डायलॉग के बीच में एकर साथ काम करत हो तो एकर साथ रवि के साथ करत हो या विक्रम के साथ करत हो तो मोर पिताजी कैसे कैसे करके कोनो लोगन मन के साथ कैसे हाव भाव दिखा रही हूँ वैसे हाव भाव लाए में मोर मोला थोड़े तकलीफ तो हुई सर, लेकिन मोला लगता है कि ये वेदेही फिल्म जेन है फिर मोर बहुत दिल के करीब है। काबर की अपन बाप के रोल ला करके मैं सोचत हूँ कि हाँ थोड़े कुछ काम करे की कोशिश करे हूँ, काम बूता बहुत ज़्यादा नहीं आए काबर की थिएटर कर रहे हूँ तो टेक्निकल एक्टिंग करत रहे हूँ मैं बहुत ज़्यादा। और वेदेही में सबले बढ़िया कि जिन वेदेही के रोल प्ले करे है श्रद्धा हाँ वो बहुत अच्छे एक्ट्रेस भी से हमार गाँव घर के लड़का है काजल हाँ काजल बहुत अच्छा काम करी ने। तो टोटल फिल्म में रवि हो चाहे दोनों जन हमारे हीरो हो चाहे विक्रम हो ये सब जन मिलके ये फिल्म ला अच्छा बनाए हैं ये बात मोला लगते है। बहुत सारे आंधी तूफान चला थे लेकिन आंधी तूफान से डरे जरूरत एक सकती नहीं है कि नौका जब डाल दें हमन समुद्र में तो अब तो दरिया पार हुई छोई ऐसे मोला लागत है। तो हमन कोशिश करत हैं कि आप ला एक अच्छे फिल्म दे सकन, बस ये चमर कोशिश है। ये फिल्म के शुरुआती दौर में पूरन की रिसर्च जो है वो एक हफ्ता के वर्कशॉप ले रही से जिसमें हमन काफ़ी ज़्यादा मेहनत करे हैं। और ये फिल्म जब कल रिलीज हुई जब आप सब कुछ सिनेमा घर में बड़े पर्दा में ये फिल्म ला देखूँ तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड लेवल के फिल्म आप मन पाहूँ ये फिल्म में। और एक नारी के त्याग सम्मान और जो भी नारी मन जो अपन घर के जो परेशानी से जूझते वो सारा चीज़ें में फिल्म में दिखाई गई है। और ये भी चीज़ है जब एक लड़की के पास जब बाप के छत्र छाया नहीं रहा है तो अपन घर ला परिवार ला किस तरह से हैंडल करते वो सारा कुछ ये फिल्म में है। और मोला 100% यकीन है कि कहीं ना कहीं ये फिल्म आप मतलब बॉलीवुड लेवल के फिल्म ही लगी। सीनियर विक्रम राज जी और साहू जी भी हैं थोड़ा सा उनसे भी जानकारी समझ आएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। सभी को जय जोहार जय छत्तीसगढ़। मैं ये हमारे फिल्म के हीरो है विशाल भाई और यह फिल्म में
बहुत दमदार करेक्टर करे। बहुत दिन बाद मोला ऐसे लगी से कि कोनो नवा लड़का जिन हाँ आए है छत्तीसगढ़ी फिल्म में, तो डांस सीख क्या है, फाइट सीख क्या है, एक्टिंग सीख क्या है, ऐसे मतलब तैयारी से आए है लड़का हाँ, कि मोला कई घाव ऐसे लगी कि मैं अभी काम शुरू करे हूँ कि नहीं करे हूँ। और एक नहीं नहीं मैं झूठ नहीं बोला था, मैं एमा एकर बाप के रोल करत हूँ, दो एक सीन ऐसे रही से हमारे जेमा एक दूसरे से भिड़ना रही से, तो ये अतका स्पॉन्टेनियसली मतलब तुरंत ही तुरंत अपन कैरेक्टर ला घुस जाते और निकल जाते कि मोला समझ में नहीं आई। तो मैं कई घाव एकर बाप के रोल करत करत पुष्पेंद्र सिंह हो गए रहे हूँ। हमारे साथ में ये काजल भी रही, काजल रहीन, हमर रवि साहू रही से, विक्रम राज रही से, ये सब जन एक एक परिवार हो के वेदेहिला बना है। सागर पांडा जी के निर्देशन में मनीष मानिकपुरी जी के कृत करके, कृत के मतलब होते जेन सारा कारभार संभाले, चारों डहार ले ओला झोंक के रखे ताकि फिल्म सही दिशा में जाए। तो मनीष भी बहुत बढ़िया काम करीन है, हमार सागर पांडा जी करे, और एक प्रोड्यूसर हमारे जदवानी जी और पटेल साहब और हमार दीदी हा, सब जन मिल के एक अच्छा फिल्म बनाए। और 9 जून की ये फिल्म हमारे छत्तीसगढ़ के सिनेमा में आवत है, तो हमारे लिए अगोरा रही कि जतका दर्शक मन है तेमन 9 तारीख से कंटिन्यू फिल्म ला देखे और एला माया दुलार दे, बस अतका कहना चाहता हूँ। जय जोहार। आए थे मेरे पास, हम लोग बैठे, उसके बाद से मेरे को ऐसा लगा कि नहीं इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, प्रेम बढ़ा और आ गए सामने। और किस तरह की क्या मल्टीप्लेक्स में भी लग रही है सिनेमा हॉल के? हाँ हाँ, सिनेमा मल्टीप्लेक्स में भी लग रही है हमारे रायपुर में, कलर्स मॉल में। दर्शकों से चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार मिले तो मतलब ऐसा क्या है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार? इसकी ट्राइंगल लव स्टोरी है फिल्म, और बहुत अच्छी इसकी जो क्वालिटी वाइज जो हमने देखी भी है और बनवाई है, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है, डायलॉग्स भी बहुत अच्छे हैं, किरदार भी, और मेरी पूरी टीम देख ही रहे हैं आप सब, सब अच्छा रोल किया है। और कोई प्रश्न हो तो पत्रकार से। शूटिंग कहाँ था? इसकी शूटिंग नया रायपुर में हुई है, नया रायपुर, और रायपुर के इर्द गिर्द के 2-3 लोगों में। हमारी फिल्म जो है वो अर्बन है, हम लोग क्या है अभी तक जो देखे जो कथा है, पटकथा है या उधर संदेश, सिमिलर होना बहुत मुश्किल होते हैं सभी बैठाना, लेकिन एक खासियत में खासकर अपन राइटर और अपन निर्देशक सागर पांडा जी ने, और फिल्म के दृश्यमन जो अभी आए हैं जब भी आए अपन देख सकते हैं, जिसके ऊपर प्रोमो आए हैं, छोटे छोटे प्रोमो आए हैं, गाना आए हैं, सब अच्छा प्रभावी है। आजीवन देख के